माननीय पंतप्रधानांचं, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, जो जे वांछील तोते लाहो यह महान करुणा का संदेश देने वाले संत ज्ञानेश्वर एवं तुकाराम, भारतीय असंतोष के जनक श्री लोकमान्य तिलक, और देश में बालिकाओं के लिए सबसे पहली स्कूल स्थापन करने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, संतों की, समाज सुधारकों की और स्वतंत्रता सेनानियों की इस पुण्य भूमि में मैं वसुंधरा काशीकर माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माननीय केंद्रीय विमान वाहतूक आणि सहकार राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोळ यांना विनंती आहे, त्यांनी आपलं स्वागत पर भाषण करावं। क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, नमस्कार। संतों की, समाज, आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रकल्पों का शिलान्यास और लोकार्पण जिनके कर कमलों द्वारा होने जा रहा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय सीपी राधाकृष्ण जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल, मनोहरलाल जी खट्टर, राममोहन नायडू जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील तथा सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पुणे के सभी भाई और बहनों, आज मोदी जींच्या शुभ हस्ते महाराष्ट्रातल्या अनेक विकासांच्या कामांचा शुभारंभ आणि भूमिपूजन होतोय। शिवाजी नगर न्यायालय ते स्वारगेट या 3.6 किलोमीटर भुयारी मार्गाचं, स्वारगेट ते कात्रज या नवीन भुयारी मार्ग 5.4 किलोमीटरच्या भुयारी मार्गाचं भूमिपूजन, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांची पहिली मुलींची शाळा भिडेवाडा स्मारकाचं भूमिपूजन, इन दोनों ने समाज को एक नई दिशा दिखाई। और आज हमें गर्व है कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश की महिला शिक्षा और महिला सक्षमीकरण के लिए आदरणीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं लाई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी और ऐसी अनेक बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे देश की महिला अब आत्मनिर्भर बन रही है। आज पुणे मेट्रो मार्गाचं आपण उद्घाटन करतोय। माननीय मोदीजींना मी पुणेकरांच्या वतीनं खरं तर मनापासून धन्यवाद देईन की आजपर्यंत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या पुणे शहराला मेट्रो मिळाली, मेडिकल कॉलेज मिळालं, नवीन विमानतळाचं टर्मिनल मिळालं, पुणे ते कोल्हापूर आणि पुणे ते हुबळी वंदे मातरम रेल्वे, वंदे भारत रेल्वे आपल्याला मिळाली, मुळा मुठा नदी यांचं पुनर्जीवनासाठी हजारो कोटी रुपये आपल्याला पुण्याला मिळाले, स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प मिळाला, चांदणी चौकासारखाचा प्रकल्प मिळाला, पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी पीएमपीएलच्या ताफ्यामध्ये अनेक मोठ्या संख्येने आपल्याला ई बसेस सुद्धा उपलब्ध झाल्या, आणि म्हणून आज पुन्हा एकदा पुण्याच्या नवीन मेट्रो मार्गाचं उद्घाटन करत असताना आता पुण्याच्या दक्षिण ते उत्तर आणि पूर्व ते पश्चिम अशा जवळपास 33 किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गाचं आता नेटवर्क पूर्ण झालं, आणि हे माननीय मोदीजींनी दाखवून दिलं की इथून मागं 10 वर्षाच्या काळामध्ये भूमिपूजन व्हायची पण 40-40, 50-50 वर्ष कधी उद्घाटन झाली नाहीत, पण माननीय मोदीजींच्या शुभास्ते 2014 साली पुण्याच्या मेट्रोचं भूमिपूजन झालं आणि आज पुण्याच्या मेट्रोचा 33 किलोमीटर मेट्रो मार्ग पूर्ण झाला, पुणेकरांचं स्वप्न पूर्ण झालं। आणि याशिवाय महाराष्ट्रामध्ये आपण जर पाहिलं तर मागच्या 10 वर्षात या महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मोदीजींच्या माध्यमातून 10 लाख कोटी रुपयाची कामं आपल्या राज्यात पूर्ण झाली आणि तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं आपण त्यासाठी मोदीजींना धन्यवाद देऊया। आज सोलापूर विमानतळाचं उद्घाटन होतंय, जवळपास 64 कोटी रुपये खर्च करून या विमानतळाची निर्मिती झाली। मोदीजी नेहमी म्हणतात हवाई चप्पल पहिनेवाला अब हवाई सफर करेगा, और त्याच्यासाठी म्हणून उडान योजनेच्या माध्यमातून आज देशातील सर्वसामान्य माणूस हा विमानानं प्रवास करायला लागला। उडे देश का आम नागरिक कहते हुए आज पूरे देश में 359 हवाई मार्ग की निर्मिती पिछले 10 साल में हुई, आणि ही उपलब्धी मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांसाठी खूप मोठी आहे। गेल्या 10 वर्षात देशात 74 विमानतळ नवीन झाली, 269 नवीन हवाई मार्गांची निर्मिती झाली,
आपल्या देशाला नैसर्गिक 7,500 किलोमीटरची कोस्टल लाईन आहे आणि त्यासाठी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आमच्या भारत सरकारच्या माध्यमातून नव्यानं आपल्याला सी प्लेन गाईडलाईनची आता नव्यानं निर्मिती झाली आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे आता हवाई मार्ग आहे. आज आपल्याला कोस्टल मार्ग आहे, समुद्र आपल्याला धरण आहेत आणि त्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये आता त्या मार्गाने सुद्धा वाहतूक पुढच्या काळामध्ये खूप वाढणार आहे. आणि मोदीजी म्हणून सांगतात की 2047 जो विकसित भारत करायचा आहे त्यावेळेला या देशात आज आपण जागतिक स्तरावरती तिसऱ्या क्रमांकावरती डोमेस्टिक सिव्हिल एव्हिएशन सेक्टर मध्ये आज आपला तिसरा नंबर येतो जगामध्ये. पण 2047 साली मोदीजींनी संकल्प केला की या देशामध्ये 400 विमानतळ असतील आणि आम्ही जगात पहिल्या क्रमांकावरती आज सिव्हिल एव्हिएशन मध्ये आम्ही आमचं स्थान असेल. आणि म्हणून अधिक वेळ घेणार नाही, पुण्यासाठी महाराष्ट्रासाठी आज खूप मोठी उपलब्धी आहे आणि त्यामुळे माननीय मोदीजींचं मी पुण्यामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने म्हणजे आमचे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सगळे मंडळींच्या वतीने पुन्हा एकदा स्वागत करतो. विकसित भारताचा संकल्प घेऊन देशाच्या अमृत काळात प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा देशावरचा विश्वास आणि अभिमान वृद्धिंगत करणाऱ्या माननीय नरेंद्र मोदीजींचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज संकल्प से सिद्धि का शुभ दिन है. मुझे एक बहुत ही अंतर्दृष्टि वाला वक्तव्य याद आ रहा है कि विकसित देश वह नहीं जहां गरीब लोग कार खरीदते हैं, विकसित देश वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करते हैं. भारत में यह बात वास्तव में लाना असंभव सा लग रहा था, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संभव कर दिखाया है. मेरे ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता की मिसाल नहीं दी जा सकती कि अब अमीर अपनी कार छोड़ के मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे. इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, भूमि पूजन एवं राष्ट्र को समर्पण करें. मेरे ख्याल से इससे बड़े मेट्रो की यशस्विता. संसद और संविधान के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की जनता आपकी ऋणी है. सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से आज इस मंच पे हम निवेदन कर पा रहे हैं, आपने और राज्य सरकार ने इस विद्यालय को स्मारक के रूप में तब्दील करके हमेशा के लिए चिरंतन स्मृति में परिवर्तित कर दिया है. मैं अनुरोध करती हूँ हमारी टेक्निकल टीम से कि वे इन परियोजनाओं की जानकारी देने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाए. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है. इसी दिशा में आज यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे, साथ ही एक महत्वपूर्ण धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये परियोजनाएं न सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापक बदलाव लाएंगी बल्कि विकास को नई ऊंचाइयां देंगी, हजारों नए अवसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी. भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मेट्रो रेल. 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है. आज इन 23 शहरों में 978 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जबकि 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुणे मेट्रो के विभिन्न चरणों का अभूतपूर्व गति से निर्माण हुआ है, जिसने पुणे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है. इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तैयार है,
जिसमें कस्बा पेट, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिटकिन इंडस्ट्रियल परियोजना छत्रपति संभाजी नगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें 60% औद्योगिक एवं 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मजबूत होगा और महाराष्ट्र एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज प्रधानमंत्री बिटकिन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहां आना अधिक सुलभ हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रीमती क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में भारतवर्ष की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी स्मारक का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद किसी भी नेता ने ट्रक ड्राइवर्स के बारे में सोचा होगा। ट्रक ड्राइवर्स जैसे लोग जिनके पास न ओहदा है, न सत्ता है, न पैसा है, न संख्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जब आप आश्वासन लेके जाते हो तब आपके बड़े इंसान होने का परिचय मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गत 10 साल में, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो या सोलापुर के मजदूरों के लिए 30,000 घरों का निर्माण, अपनी हर बात से श्रमजीवी वर्ग के प्रति अपार संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कुछ बुनियादी आश्वासन पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना हर लम्हा, हर क्षण काम में लगाया है और जिनकी भावुकता ठोस कृतिशील करुणा में रूपांतरित हुई है, वे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आप देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों की उम्मीद हो, आश्वासन हो। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सब का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, पुणे के सांसद और मंत्रिपरिषद के मेरे युवा साथी भाई मुरलीधर, केंद्र के अन्य मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण भी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों,
पुण्यातील माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींना आणि लाडक्या भावांना माझा नमस्कार। दो दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसमें मेरा तो नुकसान है ही, क्योंकि पुणे की कण कण में राष्ट्रभक्ति है, पुणे के कण कण में समाज भक्ति है। ऐसे पुणे में आना वो अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। तो मेरा तो बड़ा लॉस है कि मैं आज पुणे नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज पुणे की ये धरती भारत की महान विभूतियों की प्रेरणा भूमि, महाराष्ट्र के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन रही है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वार गेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। आज ही हम सबके श्रद्धे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की नींव भी रखी गई है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला है। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है। यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं। इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए लोग अब सीधे सोलापुर पहुंच सकेंगे। यहां व्यापार, कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं महाराष्ट्र के लोगों को, आप सबको इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र को नए संकल्पों के साथ बड़े लक्ष्यों की जरूरत है। इसके लिए हमें पुणे जैसे हमारे शहरों को प्रगति का, अर्बन डेवलपमेंट का सेंटर बनाना जरूरी है। आज पुणे जिस गति से आगे बढ़ रहा है, यहां जनसंख्या का दबाव भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। पुणे की बढ़ती जनसंख्या शहर की स्पीड को कम न करे, बल्कि उसका सामर्थ्य बढ़ाए। इसके लिए हमें
अभी से कदम उठाने की जरूरत है। ये तब होगा जब पुणे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक होगा, ये तब होगा जब शहर का विस्तार तो हो लेकिन एक क्षेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बेहतरीन रहे। आज महायुति की सरकार इसी सोच और अप्रोच के साथ दिन रात काम कर रही है। साथियों, पुणे की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से काम किए जाने की जरूरत थी। पुणे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से बीते दशकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा। अगर कोई योजना चर्चा में आती भी थी तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अटकी रहती थी। अगर कोई योजना बन भी गई तो भी एक एक प्रोजेक्ट कई कई दशकों तक लटका रहता था। उस पुराने वर्क कल्चर का बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को, महाराष्ट्र को और पुणे को भी हुआ। आप याद करिए, पुणे में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2016 में इसकी आधारशिला तब रखी गई जब हमारी सरकार ने अड़चनों को हटाकर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया। और आज देखिए, आज पुणे मेट्रो रफ्तार भी बढ़ रही है और उसका विस्तार भी हो रहा है। आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकार्पण किया है तो साथ ही स्वार गेट से कात्रज लाइन का शिलान्यास भी किया है। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। साथियों, राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है। जब जब इसमें रुकावट आती है तो महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए, मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम हो, डबल इंजन सरकार से पहले महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेल हो गए थे। इसी का एक और उदाहरण है
बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, हमारी सरकार के समय मेरे मित्र देवेंद्र जी ने ऑरिक सिटी की संकल्पना रखी थी। उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर शिंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया की नींव रखी थी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस पर काम होना था, लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था। अब शिंदे जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उन अड़चनों को भी हटाने का काम किया है। आज यहां बिडकिन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने हैं। भारत आधुनिक हो, भारत का मॉडर्नाइजेशन भी हो, लेकिन हमारे मूलभूत मूल्यों के आधार पर हो। भारत विकसित भी हो, विकास भी करे और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़े। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो और ये भारत की आवश्यकताओं और भारत की प्राथमिकताओं के आधार पर हो। भारत का समाज एक मन एक लक्ष्य के साथ तेज गति से आगे बढ़े। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है। महाराष्ट्र के लिए भी जितना जरूरी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना ही जरूरी है कि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। ये तब होगा जब देश के विकास में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी होगी। ये तब होगा जब विकसित भारत के संकल्प को नेतृत्व देश की महिलाएं करेगी। समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महिलाएं उठाती हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र की धरती तो इसकी साक्षी रही है। इस धरती ने और इस धरती से सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। यहां बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इसकी स्मृति को इस विरासत को संजोकर रखना जरूरी है। आज मैंने देश के उसी प्रथम गर्ल्स स्कूल में सावित्रीबाई फुले मेमोरियल की आधारशिला रखी है। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, लाइब्रेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। ये मेमोरियल सामाजिक चेतना के उस जन आंदोलन की स्मृतियों को जीवंत करेगा। ये मेमोरियल हमारे समाज को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा। भाइयों और बहनों, आजादी के पहले
देश में जो सामाजिक हालात थे, जो गरीबी और भेदभाव था, उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल थी। सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों ने बेटियों के बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला, लेकिन आजादी के बाद भी देश उस पुरानी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। कितने ही क्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महिलाओं की एंट्री बंद करके रखी थी, स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इसके कारण स्कूल होने के बावजूद भी स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बंद थे। जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था। सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एडमिशन पर रोक थी। सेना में ज्यादातर कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक थी। इसी तरह कितनी ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नौकरी छोड़नी पड़ती थी। हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिकताओं को बदला, पुरानी व्यवस्थाओं को बदला। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसका सबसे बड़ा फायदा देश की बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को हुआ। उन्हें खुले में शौच से छुटकारा मिला। स्कूलों में बनाए गए शौचालयों के कारण और बेटियों के लिए अलग शौचालयों के कारण बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया। हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की गारंटी भी दी है। साथियों, हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले, तभी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए। मुझे विश्वास है सावित्रीबाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को, महिला सशक्तिकरण के हमारे इस अभियान को और ऊर्जा देगा। साथियों, मुझे भरोसा है महाराष्ट्र की प्रेरणाएं, महाराष्ट्र की ये धरती हमेशा की तरह देश का मार्गदर्शन करती रहेगी। हम सब मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत का ये लक्ष्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।